Assalamualaikum everyone, this is me Muqaddas Haider. क्या हाल चाल है, उम्मीद है कि जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे. आज की जो वीडियो है वो रमजान स्पेशल है, क्योंकि रमजान में आके ना आपकी स्किन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. मेरी खुद स्किन जो है वो थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई. तो आज यही चीजें डिस्कस करेंगे कि रमजान में, क्योंकि पानी का आप बहुत कम यूज करते हो, रूटीन सारी चेंज हो जाती है, एक्स्ट्रा किस्म की चीजें जो कि आप पहले रूटीन में नहीं खाते पीते लेकिन आप रमजान में आके खाना पीना शुरू हो जाते हो, और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्किन जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है. तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ऐड करनी चाहिए रमजान में, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको स्किप करनी चाहिए रमजान में, ताकि ईद के नजदीक आपका जो ग्लो है वो बरकरार रहे, ना कि ऐसा हो कि आपका फेस जो है वो डल बेरोनक और दानों से भरा हुआ. तो जल्दी से हम लोग करते हैं वीडियो स्टार्ट. अब तो सबसे पहले रमजान में जो चीज एक मुझे फेस करने को मिली वो ये थी कि मुझे ना बड़ी, मेरी स्किन जो थी वो बड़ी अजीब सी बिहेव करना शुरू हो गई थी. ऐसे जैसे छोटे छोटे एलर्जी नहीं होती है पूरे फेस के ऊपर, ना वो दाने थे और ना ही वो मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ निशान थे रेड, मतलब दरमियान वाली कोई चीज थी, लेकिन सही में पता चल रहा था कि कोई एलर्जी हो गई है. सही है, तो वो हो गई थी और पूरे फेस के ऊपर हो गई थी. फिर शुरू में तो 2 से 3 दिन वैसे रही, फिर उसके बाद जो है वो हल्की हल्की यहाँ पे शुरू हो गई, यहाँ पे शुरू हो गई. सो मेरी ये जो 7 रोज़ या 7वां रोज़ा है, 7 रोज़ों में बिल्कुल ऐसे ही रहा है. अच्छा, अब आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करूंगी जो कि अगर आप अपनी रूटीन के अंदर चीज़ें वो भी यूज़ कर रहे हो ना, तो आपने रमज़ान में आके वो छोड़ देनी है. सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि रमज़ान में आके आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है. कुछ लोग जो है वो पानी बिल्कुल कम कर देते हैं, कुछ लोग जो है वो उसका फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो गुजारा कर लेते हैं. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों ने पानी का इंटेक जो है वो बेहतर रखना है. ठीक है, अब किस तरह से बेहतर होना चाहिए कि कम से कम 8 से 10 ग्लास आपने पानी पीना ही पीना है. आप कैसे कर सकते हो, 2 ग्लास आप जो इफ्तारी के टाइम पे पी सकते हो, ठीक है, फिर 2 ग्लास फिर कोई घंटे डेढ़ के बाद आते जाते आप एक काम करें, जैसे ये पानी की बॉटल है, कोई भी पानी की बॉटल भर के अपने पास रख लो 1.5 लीटर की, और आप अपने माइंड में बिठा लो कि ये मैंने इफ्तारी के बाद से लेके जब तक आपने सोना है तब तक ये थोड़े थोड़े सिप करके मैंने पीना ही पीना है. ठीक है, अब ये 1.5 लीटर की बॉटल है, मैं भर लेती हूँ अपने पास रख लेती हूँ, और ये तकरीबन इसमें से 1 ग्लास रह जाता है जो कि मैं जब सहरी के टाइम पे उठती हूँ ना, पहले ये ग्लास ये वाला और 1 ग्लास और पी लेती हूँ मैं. तो मेरा पूरे दिन का जो 1.5 लीटर वाला पानी है ना, वो वाला जो इनटेक का मैंने कोटा रखा हुआ है, वो पूरा हो जाता है. सो आप लोगों ने भी इसी तरह से रखना है, आप लोगों ने भी अपना पानी का जो इनटेक है उसको कम नहीं करना, आपने उसको बरकरार ही रखना है. बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है. अब ड्राई स्किन के लिए क्या होता है, आपकी स्किन के ऊपर हो सकता है हारिश शुरू हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया था वो रेड रेड से मेरे दाने छोटे छोटे से बन रहे थे, वो भी शुरू हो सकती है, फ्लेकी स्किन हो सकती है. तो ये सब जो चीजें होती है ना, इसमें सबसे पहली एक जो रीजन होती है वो होती है पानी का इंटेक. पानी का इंटेक आप ठीक कर लोगे रमजान में, जैसे मैंने रूटीन बताई है, तो उससे आपका पानी का इंटेक ठीक हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी डेफिनेटली स्किन पे भी वो इफेक्ट करेगा. 2 है फ्राइड आइटम्स का, कि रमजान में ज्यादातर लोग पकौड़े, समोसे, कचौरियां, इस तरह की चीजें बना बना के फ्राई करके खा रहे होते हैं. कोशिश करें कि जहां पे आप पहले 3-4 चीजें खाते हो ना, मतलब 4-5 पकौड़े खा लिए, वहां पे 1 पकौड़ा खाएं, क्रेविंग्स भी खत्म हो जाए और आपकी स्किन भी ठीक रहेगी. क्योंकि सारा दिन आप भूखे रहते हो, ठीक है, और उसके बाद पानी का इंटेक भी कम होता है, और फिर जब आप ये फ्राइड आइटम्स डालते हो तो आपका स्टमक जो है वो फिर पिंपल्स निकालता ही निकालता है. बहुत कम लोग होते हैं कि जिनकी स्किन जो है वो रमजान के अंदर बिल्कुल ठीक रहती है, मतलब ना डिहाइड्रेशन होती है, ना पिंपल्स होते हैं, ना कुछ ऐसा होता है. जिन लोगों की तो स्किन बिल्कुल नॉर्मल है उनको तो मेरा ख्याल है कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो जिस तरह से चल रहे हैं चलते रहे, लेकिन जिन लोगों के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उन लोगों के लिए मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ. ठीक हो गया हाइड्रेशन, जिस तरह से आपको मैंने बताया कि इनटेक पानी की बहुत जरूरी है ताकि आपकी बॉडी जो है इंटरनली हाइड्रेटेड रहे, इसी तरह से फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर्स लगाने भी बहुत जरूरी है. आप वजू करते हो बार बार, इसके पानी आप नहीं पी रहे होते तो बॉडी आपकी डिहाइड्रेटेड हो जाती है. इसके अलावा जब बाबा वजू कर रहे होते हो ना, तो जो स्किन का मॉइस्चर होता है नेचुरल, या स्किन के अंदर जो एक मॉइस्चर और जो ऑयल होता है ना नेचुरल, जब आप वो फेस वॉश करते हो वजू करने के लिए, तो वो बार बार वो खत्म हो जाता है. ठीक है, फिर स्किन को क्या करना पड़ता है, स्किन को अगेन आपकी स्किन बैरियर को लेवल करने के लिए, पीएच लेवल को लेवल करने के लिए अगेन उसको ऑयल और वो जो भी मॉइस्चर होता है वो प्रोड्यूस करना पड़ता है. जब एक्सेसिव होता है तो फिर आप लोगों की एक्नी भी हो जाती है और स्किन के दूसरे प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं. सो आप लोगों ने एक चीज तो ऐसे करनी है कि कम से कम आप कोशिश करें कि साबुन का या फेस वॉश का कम से कम इस्तेमाल करें. लेकिन अगर कुछ लोग मेरी तरह के हैं, जैसे मुझे तो सली नहीं होती, पहले मैंने फजर के टाइम उठ के फेस वॉश करना होता है, फिर जब मैंने ऑफिस
जाना होता तब मैंने फेस वॉश करना होता है, फिर उसके बाद दोपहर में मैं फेस वॉश नहीं करती, वुजू बस ऐसे कर लेती हूँ, और फिर रात के टाइम पे, मतलब तीन टाइम पे होता है। अब मुझे पता है कि क्योंकि डिहाइड्रेशन का भी इशू चल रहा है रमजान की वजह से, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने फेस वॉशेज ऐसे लेने हैं कि जिसके अंदर ज्यादा हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज हों। ऐसा फेस वॉश आपने नहीं लेना कि जो आपकी जो स्किन के अंदर नेचुरल ऑयल होता है उसको भी एक्सट्रैक्ट करके खत्म कर, जेल फॉर्म में जो होते हैं, ट्रांसपेरेंट फॉर्म में जो होते हैं वो आपने यूज नहीं करने। जैसे हो गया क्लीन एंड क्लियर का हो गया, न्यूट्रोजीना का हो गया, या कोई भी इस तरह के जो कि ऑयली स्किन के लिए स्पेशली होते हैं, और जब आप वो एक दफा फेस वॉश कर लो उसके बाद आपकी स्किन जो है ना थोड़ी सी अकड़ी अकड़ी फील होती है, जो कि गर्मियों में मोस्टली यूज करते हैं। तो आपने इस तरह के मॉइस्चराइजर्स यूज करने हैं जो कि क्रीम फॉर्म में हो, या जो आप यूज करो यूज करने के बाद आपका फेस जो है वो खिंचा खिंचा ना लगे। टाइम भी इसी से फेस वॉश करती हूँ, जब ऑफिस जाना होता है फिर भी इसी से फेस वॉश करती हूँ, और शाम के टाइम पे एक दफा जो मैंने फेस वॉश करना होता है ना वो मैंने करना होता है ये वाला दी बॉडी शॉप विटामिन सी से, क्योंकि दिन भर का वो जो गंद वगैरह होता है वो सारा एक दफा से अच्छे से स्किन के ऊपर से साफ हो जाए। ठीक है, सो ये आप यूज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद फेस वॉश हो गया, उसके बाद मॉइस्चराइजिंग के लिए से ज्यादा मॉइस्चराइज रखना है। उसके लिए या तो आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज कर सकते हो, ये वाला भी जो मौसम चल रहा है ना, तो हाइलुरोनिक एसिड सीरम हर स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं, इवन ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतनी फुल गर्मियां भी नहीं है, रमजान भी चल रहा है और स्किन भी डिहाइड्रेट हुई हुई है, तो इस सूरत हाल में आप लोग जो हाइलुरोनिक एसिड सीरम है वो आराम से यूज कर सकते हो, सुबह को भी यूज करो शाम को भी यूज करो, ताकि जो एक नेचुरल आपकी स्किन के अंदर पानी होता है ना और एक जो नेचुरल स्किन के अंदर मॉइस्चर होता है वो जो उड़ जाता है ना तो वो थोड़ी देर तक आपकी स्किन के अंदर स्टे करे। ठीक है, यूज कर रही हूँ ना वो यूज कर रही हूँ ये वाला सर्वे का विटामिन सी सीरम, ये सिर्फ मैं मॉर्निंग के टाइम पे यूज करती हूँ। ठीक है, जो शाम के टाइम पे मैं सीरम यूज कर रही हूँ ना वो मैं ये यूज कर रही हूँ स्नेल ट्रूसिका का स्किन रिपेयरिंग सीरम। ये मैंने अभी आपको बताया ना कि मेरी स्किन जो थी वो बहुत ज्यादा मुझे लग रहा था कि एलर्जी हो गई है उसके ऊपर, मैंने पानी का इनटेक ज्यादा किया, पकौड़े समोसे जो है वो छोड़े हैं। और तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है, जब इस तरह की मसले हो रहे होते हैं ना तो इसका मतलब है आपकी स्किन का जो बैरियर है ना वो इफेक्ट हुआ है, तो आपको जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल आपको AHAs, BHAs जो होते हैं एक्सफोलिएटिंग या केमिकल पीलिंग वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आपको छोड़ देने हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे भी यही लग रहा था कि मेरी स्किन रमजान की वजह से जिस तरह से बिहेव करना शुरू हो गई थी, पहले तो ऐसी नहीं थी, पहले मैं वही सारी चीजें यूज कर रही थी, लोरियल का जो है सीरम ये भी यूज कर रही थी, और मतलब रात के टाइम पे यूज करती थी, एक दिन छोड़ के एक दिन उसके बाद यूज करती थी, अभी भी मैं वैसे ही कर रही थी, लेकिन मेरी स्किन जो थी ना बड़ी वो कहते ना छिड़ सी गई थी। फिर उसके बाद मैंने ये वाला जो है ग्लाइकोलिक एसिड सीरम है इसका यूज छोड़ दिया, जो पीलिंग सॉल्यूशंस होते हैं वो आप छोड़ दो, इसके अलावा जो रेटिनॉल लोग यूज कर रहे हैं वो इसको छोड़ दो, मतलब इस तरह की सारी चीजें जो कि स्किन को यू नो डेड स्किन को रिमूव करने के लिए इस तरह से होती है उनको छोड़ दें, क्योंकि ये भी स्किन को मजीद ड्राई बनाती है। ठीक है, तो जब मजीद स्किन को ड्राई बनाए और ऊपर से कुछ सूरत हाल अदर फैक्टर्स भी हों जो कि स्किन को मजीद ड्राई कर रहे हैं, तो वो फिर कहते हैं ना सोने पर सुहागा, स्किन को मजीद आप खराब कर रहे हैं। रमजान के दरमियान आपने बड़ी सिंपल सी रूटीन रखनी है। ठीक है, अब जैसे मैंने सीरम बताया ये वाला स्नेल ट्रूसिका का, ये मेरी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी हुई थी, इसकी वजह से मैंने ये लगाना शुरू किया, जिसकी वजह से मेरी स्किन काफी हद तक जो है वो हील हुई है। अच्छा, फिर उसके बाद रात के टाइम पे ना मैं ये वाला स्नेल 92 ऑल इन वन कॉसरेक्स क्रीम जो है ना ये वाली यूज करती रही हूँ, ये भी मैं रेगुलर यूज नहीं करती रही, एक दिन छोड़ के एक दिन इसको लगाती थी रात के टाइम पे स्किन को हील करने की वजह से। अगर आपकी स्किन का ऐसा कोई इशू नहीं है तो आप लोग ये स्किप भी कर सकते हो, सिंपल हाइलुरोनिक एसिड जो है वो यूज करो और उसके साथ कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लो। आजकल जो मैं मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ यही कर रही हूँ विंसे का। ठीक है, ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, बड़ा क्रीमी सा इसका फॉर्मूला, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो मैं जब सुबह के टाइम पे आपको बता रही थी ना कि मैं सुबह जब फजर की नमाज पढ़ते हैं रोजा वगैरह रखते हैं उसके बाद फेस वॉश किया तो कोई मैं सनब्लॉक नहीं लगाया, सारी बात उस टाइम से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई कोई नाइट क्रीम लगाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं लगाने की जरूरत, सिंपल मैं फेस वॉश करती हूँ, कोई सीरम नहीं लगाती, कुछ भी नहीं लगाती, और ये वाली क्रीम जो है ना थोड़ी सी ज्यादा लेके तो वो फेस के ऊपर लगा लेती हूँ, स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है। क्योंकि उसके बाद जब मैंने ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने के लिए मैं दोबारा सुबह 9 बजे उठना है, तो उस टाइम पे मैं जो बाकी चीजें होती है ना कि ये सीरम लगा लिया, सनब्लॉक लगा लिया, मॉइस्चराइजर लगा लिया, वो बाद में हो जाता है। सो स्किन को हर दफा जब आप फेस वॉश करते हो हर दफा से ये सारी चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो मॉइस्चराइजर लगा लिया तो ये एनफ होगा। ठीक है,
के बाद जो बारी आ जाती है वो आ जाती है नाइट क्रीम की. नाइट क्रीम भी अगर आपकी स्किन डिस्टर्ब हुई हुई है, जो मैंने आपको पहले बताया, तो जैसे बाकी सारी चीजें छोड़ने का आपको मैंने कहा, नाइट क्रीम भी कुछ दिन आप छोड़ दें, इवन विटामिन सी सीरम भी कुछ दिन आप छोड़ दें, ठीक है. फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीजें जो है उनको अपनी स्किन केयर के अंदर ऐड करें. सबसे पहले आपने ऐड करना है नाइट क्रीम, कोई भी नाइट क्रीम जो कि आपको सूट करती है. मुझे लिप ग्लो नाइट क्रीम यूज करती है, ट्रेमिलास भी मैं यूज करती हूँ, तो ये मैं दिन के टाइम पे लगाती हूँ, ठीक है. जैसे एक दिन ये लगाया, फिर उसके बाद एक दिन का गैप दूंगी और उससे अगले दिन रात के टाइम पे ट्रेमिलास में लगाऊंगी, ठीक है. तो ये थोड़ी सी चीजें आपने खुद करने के, कम से कम यूज करें प्रोडक्ट, और बिल्कुल छोड़नी भी नहीं है. ऐसा भी नहीं करना कि आपने मतलब ढेर सारे प्रोडक्ट्स लगाने हैं. आई होप कि मैं आपको चीज बता क्लियर कर पा रही हूँ, आपको मैसेज जो है वो क्लियरली मैं डिलीवर कर पा रही हूँ. बस सिर्फ इतना सा सिंपल सा आपने अपने माइंड में रखना है कि कम से कम चीजें यूज करनी है रमजान के दौरान, और सिंपल से सिंपल स्किन केयर रूटीन रखें. अगर आपकी स्किन डैमेज हो चुकी हुई है तो सारी चीजें एक्स्ट्रा किस्म की छोड़ दें, सिर्फ बेसिक करें, फेस वॉश करें अच्छे से, ठीक है. हाइड्रेशन के लिए हाइलुरोनिक एसिड लें, अच्छा सा मॉइस्चराइजर लें, सनब्लॉक लें, एंड दैट्स इट, ठीक है. मॉइस्चराइज करें बार बार स्किन को, लेकिन ओवरली मॉइस्चराइज भी नहीं होना चाहिए. अच्छा, इसके अलावा सनब्लॉक्स जो हैं उसमें मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ. आप लोग सनब्लॉक, जैसे मैं सुबह ऑफिस जाती हूँ, तो अगर आप लोग ऑफिस नहीं जाते, घर में रहना है, रमजान है, तो आजकल किचन में भी आना जाना कोई इतिहास नहीं होता, आप सनस्क्रीन स्किप कर सकते हो, ठीक है. लेकिन अगर आपने मतलब 1 बजे उठ के कुकिंग वगैरह करनी है, क्योंकि मैं तो शाम के टाइम पे आके ऑफिस से करती हूँ, तो अगर आपने 1 बजे करनी है तो उससे पहले आप सनब्लॉक लगा सकते हो, या बाहर मार्केट जाना है तो आप सनब्लॉक लगा सकते हो. ऑर्गेनिक प्रॉमिस का आप लोग लगा सकते हो, इसके अलावा ग्लोअर का लगा सकते हो, या कोई भी लगा सकते हो जो भी आपकी स्किन को सूट कर. सनस्क्रीन भी ये जो है ये लिया है, ये भी काफी बेहतर है. इसका मैं रिव्यू दूंगी आपको बहुत जल्द, तो इंशाल्लाह इसका रिव्यू भी दूंगी. आपकी अपने स्किन के हिसाब से जो भी सनस्क्रीन आप यूज करते हो, जो बेहतर लगता है, आप लोग वो कर सकते हो. स्किन डैमेज हो रही है ना, या जैसे आपकी स्किन इफेक्ट हो रही है, वो तो शो कर रही है सब कुछ, लेकिन आपकी बॉडी, आपके बाल ये शो नहीं कर रहे हैं. हाँ, बॉडी इस तरह से शो कर रही है, हाथ और पाँव बहुत ड्राई हो जाते हैं बार बार पानी का वो वजू करके बार बार, और मेरे खुद बड़े हो गए और इतने बर्तन धो धो के ना, सुबह के टाइम भी, सहरी के टाइम भी, इफ्तारी के टाइम भी, मतलब भांडे धोने वाली जो मासी होती है ना, वो बन जाता है बंदा. तो आपने ऐसा करना है कि कोई भी लोशन जो कि मतलब पूरा सा हो, ज्यादा एक्सपेंसिव ना भी हो, जिस तरह से भी जो आप डेली रूटीन में यूज करते हैं, अपने बैग में रखें, अपने घर पे अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अपने पास रखें, अपने रूम में रखें, किचन में रखें, आते जाते जब भी आप हाथ वगैरह धोएं, जब भी वुजू करें, तो आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेके, थोड़ा सा लोशन लेके आप लोग वो यूज कर सकते हो, ठीक है. देखिए, केयर हमने करनी है ऐसे ही है. अब ऐसे नहीं है कोई भी आके नहीं करेगा, ना ही पानी के अंदर कोई ऐसी चीज होगी कि उसको पता चल जाएगी कि वुजू करने आए हैं, ऑटोमेटिकली साथ इसकी स्किन को हाइड्रेट भी करना है. केयर आपने खुद ही करनी है. अभी मैं आपको मॉइस्चराइजर्स के कुछ दे रही हूँ ऑप्शंस, आपकी मर्जी. ये सर्वे का है, ठीक है. सर्वे का आप लोग यूज कर सकते हो, ये मेरे पास काफी पहले का पड़ा हुआ था, तो मैं अभी यही यूज करती हूँ. मेरी स्किन को ये बड़ा सूट किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है. ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा सेंट ईव्स का, ये भी बड़ा हाइड्रेटिंग है, आप ले सकते हो स्किन के लिए, हाथों के लिए, पाओं के लिए, आप लोग ये यूज कर सकते हो. जर्जेंस का बहुत अच्छा है, आप लोग ये यूज कर सकते हो. फेयर एंड सॉफ्ट थोड़ा सा आपकी स्किन को जो है ना वो ब्राइटन अप भी करेगा ये वाला. सो आप अपने बॉडी के लिए, अपने हाथों के लिए, पाओं के लिए कोई भी मॉइस्चराइजर अच्छा सा ले सकते हो. नीविया का ले सकते हो, किसी भी तरह का ले सकते हो, बस अपने पास आपने क्या करना है, कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर रखना है, ठीक है. और जब जब वुजू करना है तब तब आपने थोड़ा सा लोशन लेके अपने हाथों पे, बाजुओं पे, पाओं पे लगाओ, फेस पे लगाओ, ठीक है. तो मतलब पूरा आपका इस तरह से चलेगा. अच्छा, फेस की भी बात कर ली हमने, हाथों पाओ की भी कर ली, बॉडी की भी चलो कर ली, नेक भूल गए हम लोग. नेक के लिए कोई भी क्रीम ले लो, कोई भी मॉइस्चराइजर जो हाथों पाओ पे लगा रहे हो वही लगा लो, फेस के ऊपर जो क्रीम लगा रहे हो वही लगा लो, लेकिन लगाएं जरूर, ठीक है. क्योंकि नेक एक ऐसी चीज है जो कि इंसान बहुत जल्दी निग्लेक्ट कर देता है, इसके लिए कोई इतना हाथ सोचता भी नहीं है. तो मैं जो लगाती हूँ नेक के लिए वो ये है नाइट क्रीम लोरियाल की. ये मेरे पास एक्चुअली एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, खत्म नहीं हो रही थी, तो मैंने बस इसलिए इसको नेक पे लगाना शुरू कर दिया ताकि ये खत्म हो जाए. इसके बाद डेफिनेटली जो भी मैं फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर लगाऊंगी वही मैं अपने नेक के ऊपर भी लगाऊंगी, ठीक है. नेक के लिए एक्स्ट्रा कुछ केयर करने की जरूरत नहीं है, बस आप कुछ चीजें ऐड कर ले हाइड्रेशन के लिए कि जी जनाब मैंने यहां पे भी मॉइस्चराइजर लगाना है, मैंने यहां पे भी नाइट क्रीम लगानी है, सनब्लॉक लगाना है, वो भी मैंने यहां पे लगाना है. यहीं पे सिर्फ ये 3 चीजें लगा लोगे ना, तो मेरा ख्याल है आपको वो जो कहते हैं ना हमारी नेक डार्क हो जाती है, हमारी नेक के ऊपर रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं, वो सारी चीजों से आपका छुटकारा आपको मिल जाएगा, ठीक. बालों की, क्योंकि बाल भी ऐसे हैं जो कि आपको डेफिनेटली ड्राई, अगर आपकी फेस, आपका स्किन, आपकी जो है इंटरनली आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड हुई हुई है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके बाल ना हुए. सो रमजान के अंदर ऑयलिंग करें,
ऑयलिंग से मुराद ये नहीं होता कि 5-6 घंटे या ओवरनाइट आप ऑयल लगा के छोड़ दें, 2-3 घंटे बस हल्का सा मसाज करें बालों को, स्कैल्प को करें, बालों की लेंथ को करें, और उसके बाद वॉश कर लें अच्छे से किसी भी शैम्पू के साथ। वॉश करने के बाद आप इस तरह से कोई भी ले सकते हो, ऑयल रिप्लेसमेंट ले सकते हो, ये मेरे पास पैंटीन का काफी अच्छे से मैं यूज करी, बहुत अच्छा मुझे लगता है, ठीक है। स्किन के अंदर वो कहते हैं ना जैसे हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन के लिए काम करता है, इसी तरह से आपके बालों के लिए ये वाला हाइलुरोनिक एसिड है, ठीक है, आप ये समझ लें। इसके अलावा आप अगर ये नहीं तो आप कोई भी सीरम ले सकते हो, लेवॉन का ले लो, लोरियल का ले लो, कोई भी ले लो, थोड़ा सा लेके आप लो वो वाला लगा लो उसके ऊपर, ठीक, क्योंकि बाल जब ड्राई होते हैं ना तो बहुत ज्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, तो जब आप ऑयलिंग करोगे, ऑयल रिप्लेसमेंट लगाओगे, अगर वो नहीं भी है आप कोई भी सीरम लगाओगे, तो वो बाल जो है उनके अंदर जो फ्रीजीनेस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि मैं चीजें जो है वो क्लियर कर पा रही हूँ। इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन किया था आप लोगों से कि रमजान में ज्यादा इश्यूज क्या आ रहे हैं, तो सबसे जो ज्यादा आया था कि जिसकी स्किन ड्राई हो गई है बहुत ज्यादा ओवरऑल, तो वो तो मैं भी फेस कर रही थी, मैंने आपको बता दिया कि कोई एक्स्ट्रा जो एक्सफोलियंट्स वगैरह है वो आपने यूज नहीं करने, सिंपल सी स्किन केयर रखनी है। इसके अलावा पाउंड के लिए जो है वो ये न्यूट्रिजिना की फुट क्रीम है, या मैं कहती हूँ इतनी कोई अमेजिंग है, सिर्फ 2 दिन लगाओ, 2 दफा लगाओ, रात के टाइम लगाते हुए सोते हुए ना लगा लो इसको हील्स के ऊपर, अगर आपकी हील्स फटी हुई है ना 2 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके सख्त किस्म के खुरदरे पाँव हो गए ना, दूसरी दफा की एप्लीकेशन में जब आप लगाओगे ना आपको फील हो गया पहली दफा लगाया था ऐसे पाँव की फीलिंग आई थी, दूसरी दफा लगाया तो सॉफ्ट हुआ मैं, ये मतलब इस तरह से रिजल्ट देता है। क्या जाती है लिप्स की, मेरे खुद बहुत ड्राई लिप्स हुए हैं, सो इस तरह की कोई भी जो बेबी लिप्स वगैरह मिलती हैं, ये लिप बाम वगैरह आप वो लगा सकते हो, अगर नहीं तो सिंपल पेट्रोलियम जेली लेके लगाओ। अच्छा एक और चीज़ है, पेट्रोलियम जेली अगर आप ज्यादा लगाओगे ना तो आपके लिप्स को ज्यादा खराब कर देती है। आपने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है रात को सोते हुए ना, आप ये कर सकते हो पहले थोड़ा सा लेके आना है कि आमंड ऑयल जो बादाम का तेल होता है वो थोड़ा सा लेके बस उंगली को ऐसे लगा के आपने हल्का हल्का मसाज करना है, ठीक है, लिप्स के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेना है। एब्जॉर्ब हो गया 5 से 6 मिनट के बाद आपने क्या करना है, थोड़ी सी ऐसे बस ऐसे टच करके ना आपने जो होती है पेट्रोलियम जेली वो लेके, वैसलीन जो होती है वो लेके आपने लिप्स के ऊपर वो भी मसाज करना है, उसकी लेयर नहीं लगानी, लेयर लगा के उसको छोड़ नहीं देना, उसका कोई फायदा नहीं होता है, उसको एब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। ये करें जब आप ब्रश करते हो सुबह उठ के, तब आप उसके बाद क्या है हल्का 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 जो है ना वो इस तरह से ब्रश उसके बाद जो है वो आप कर लो अपने लिप्स को, या स्क्रब लेके कर लो, जिस तरह से भी करना है आपने वो कर लो। आप 2 से 3 दिन ये करो, आपकी जो लिप्स हैं जो कि ड्राई और फटे हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगे। बादाम का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा पेट्रोलियम जेली जो मैं आपको बता रही हूँ वो इस तरह से लगानी इंपॉर्टेंट है, मसाज करके बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, अगर बहुत ज्यादा लगाओगे उसका फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। बताना चाहूंगी कि मैंने कुछ दिन पहले ना सर्वे का ब्लेमिश कंट्रोल क्लेंजर फॉर ब्लेमिश प्रोन स्किन ये वाला मैंने यूज करना शुरू किया था उन्हीं दिनों में जब मेरी वो बहुत ज्यादा स्किन जो है वो खराब होना शुरू हो गई थी। एंड डेफिनेटली ये भी जो है ये दिस इज फॉर ऑयली स्किन है, क्योंकि पिंपल्स एक्नी जो होती है ऑयली स्किन वालों के लिए होती है, मैंने इसीलिए लिया। इसके अंदर ऑयल एब्जॉर्बिंग टेक्नोलॉजी है, तो मुझे ये लगा कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है, ऊपर से मैंने ये यूज करना शुरू कर दिया जो कि एक्स्ट्रा आपकी फेस के ऊपर जो ऑयल है उसको भी खत्म कर रहा है। इसके अलावा मैंने जनाब क्या किया, मैंने वो जो एक्सफोलियंट्स थे वो भी यूज करना शुरू हो गई, और जिसकी वजह से ये सारा कबाड़ा मेरे फेस का हुआ था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फेस मेरा जो है वो हील हो रहा है, मेरा लास्ट स्टेज पे है। तो मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता अगर स्किन में कुछ स्किन केयर में कुछ ऐड करूंगी तो विटामिन सी ऐड करूंगी दोबारा, और विटामिन सी जब मेरा 1 हफ्ता अच्छे से गुजर जाएगा तो उसके बाद मैं देखूंगी कि मुझे अपने पीलिंग सॉल्यूशन जो है वो ऐड करूंगी, वो डिपेंड करता है कि मेरी स्किन की कंडीशन कैसी है। आज की वीडियो, आई होप कि आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी इसका लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।